इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बंगाल से लेकर असम तक दूसरे चरण के रण के लिए पिछले 3 घंटे से जारी मतदान, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के साथ साथ तनाव एक बार फिर जबरदस्त हावी होता दिखाई दे रहा है। बंगाल से इस वक्त की 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। पहली खबर नंदीग्राम के भेकुटिया से है, जहां पर बीजेपी वर्कर की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त डेबरा से, जहां पर टीएमसी वर्कर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है, जबरदस्त हंगामा हो रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी को रोक दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को वोट देने से रोका जा रहा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भारती घोष पर वोटर्स को पैसे देने का आरोप लगा दिया है। वेस्ट मिदनापुर के घाटल में भी हंगामा हो रहा है। लेफ्ट के वर्कर ने रास्ता जाम कर दिया है। टीएमसी के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं, आग लगाकर रास्ते को ब्लॉक किया गया है। ये दोनों तस्वीरें आप देखिए। मतदान के दिन जिस दिन लोगों को अपने घरों से निकलना होता है, वोट करना होता है, एक सुरक्षित माहौल उन्हें मिले, इस तरीके के हंगामे ना हो, ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी सावधानी और ये कोशिश होती है सुरक्षा बलों की ओर से। लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों को आप देखिए, लग रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हावी पड़ रहे हैं इन सुरक्षा बलों पर भी। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं डेबरा से, जहां पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें वोट नहीं देने दे रहे हैं, रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर घाटल से आप देखिए, एन मतदान वाले दिन अगर मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचने से रोका जाएगा तो ये लोकतंत्र को हाईजैक करने की प्रक्रिया नहीं तो फिर और क्या कही जाएगी। ममता बनर्जी को ये तस्वीरें आज देखनी चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि ये लोकतंत्र का पर्व है, इसे मातम में तब्दील ना होने दें। जेबरा की पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। जेबरा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा मचा रखा है। बीजेपी की कैंडिडेट भारती घोष अपनी कार से जाने लगी तो टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। तस्वीरें आप देखिए। जितनी
बातें समझ में आ पाई और जितने तस्वीरों से हम अंदाजा लगा पाए, बीजेपी के कैंडिडेट भारती घोष जब यहां से निकल रही थी तो टीएमसी के वर्कर्स सड़क पर लेट गए, उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो इस बात को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता भी भड़क गए। बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ी सी धक्का मुक्की भी हुई, बहसबाजी भी हुई, उसे शांत कराने के लिए पुलिस बल मौके पर मौजूद थी, दोनों तरफ से समझाने की कोशिश हुई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बोला कि अमादर मानुष के बोल पे ना, मतलब आप हमारे लोगों को कुछ मत बोलिए, आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं को समझाइए। और अब फिलहाल तस्वीर ये है कि यहाँ से भारती घोष की गाड़ी निकल चुकी है, लेकिन ये तस्वीर आज लोकतंत्र के पर्व के दिन, आज जिस दिन मतदान हो रहा है, उस दिन ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगती। जो यहाँ पर बैठे दर्शक देख रहे हैं, जो बंगाल की संस्कृति आज नजर आ रही है, वो अच्छी नहीं लगती। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ये हिंसा का चरित्र ये बंगाल की राजनीति का रहा है और वही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये नया नहीं है मीनाक्षी। पिछले कई सालों से आप देख रही हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के वक्त हिंसा बहुत ज़्यादा होती रही है, और एक बार फिर से नंदीग्राम में चूंकि ये आशा जताई जा रही थी कि कोशिश की जाए कि साफ सुथरे तरीके से बिना किसी वायलेंस के चुनाव हो, मतदान हो, लेकिन फिलहाल वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम घटनाएं सामने आ रही है। भेकुड़िया में एक बीजेपी वर्कर को मार दिया गया है। भारती घोष जिस वक्त जा रही थी वहां पर उनके साथ हंगामा हुआ। अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं तमाम इस तरीके की। और एक बात मैं और आपको बताऊं, लगातार टीएमसी सेंट्रल फोर्सेस पर सवाल उठा रही है। एक लंबी चौड़ी कंप्लेंट की एक लिस्ट बनाई है जिसमें अलग अलग विधानसभा इलाकों में सेंट्रल फोर्सेज के काम पर सवाल उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही थी कि बीजेपी घर में गुंडे घुसा रही है, बीएसएफ और सीआईएसएफ और सेंट्रल फोर्सेज की वर्दी पहन के गुंडे आ रहे, इस तरीके की बयानबाजियां हो रही थी। कितने छिछले स्तर पर राजनीति जा रही है आप कुछ अंदाजा लगाइए। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे दिन का पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे हिंसा की घटनाएं तमाम जगहों से सामने आ रही हैं और लगातार सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो माकूल की गई है। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए भी है मनीष, क्योंकि हम इस पुलिसकर्मी को देख पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने टीएमसी के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ समझाया। और आप ये तस्वीर देखिए कि कोई कैंडिडेट सड़क से निकल रहा है और वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर लेट जाएंगे, हम कैंडिडेट को आगे नहीं जाने देंगे, ये क्या तस्वीर है। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर भी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।